बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मुजाहिद इकबाल। ठीक है, तो जो आज हम डिस्कस करेंगे ओसिलेशन, ये कंटेंट में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ओसिलेशन एंड सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। ठीक है, तो ओसिलेशन सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर की जो हमने पांच चीज़ें ऐसी हैं जो फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट, टेम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ओसिलेशन क्या है? ओसिलेशन में दो हम देखते होते हैं, क्या पीरियाडिक मोशन और एक है ओसिलेटरी मोशन। ठीक, तो हम पीरियाडिक मोशन वो होती है जो रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो रही है या फिक्स इंटरवल है, जिस तरह हमारी अर्थ की मोशन है वो एक क्या है, फिक्स इंटरवल में है, चेंज हो रही है। ठीक है, यानी जो हम कहते हैं 24 आवर्स में वो एक अपना एक्सेस के गिर सर्कल कर यानी कंप्लीट करते हैं रोटेशन। तो इसका क्या मतलब है कि वो एक पीरियाडिक मोशन है उसकी। इस तरह और भी बहुत सी इसकी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ओसिलेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, यानी जो यानी मेन पोजीशन के गिर्द मूव करे, जिस तरह आप झूला है, एक सिंपल पेंडुलम है, इसकी मूवमेंट, ये सारी क्या है, ओसिलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक, क्या मैंने लिखा है, डिड यू नो, क्या ऑल पीरियाडिक मोशन आर ओसिलेटरी? तो इसका आंसर है नो। जिस तरह ज़मीन की मोशन है, क्या ये ओसिलेटरी है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन है? नहीं है। ठीक है, जिस तरह सर्कल में चीज़ मूव कर रही है तो वो भी ओसिलेटरी नहीं है, लेकिन पीरियाडिक ज़रूर है। ठीक, इसी तरह ऑल पीरियाडिक मोशन आर जो है, ऑल ओसिलेटरी मोशन आर पीरियाडिक, तो इसका आंसर है यस। तो इसके मतलब ये है, सिंपल पेंडुलम अगर मूव कर रहा है या मैस स्प्रिंग सिस्टम मूव कर रहा है, हम एक्चुअली ये मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ने लगे हैं, तो मैस स्प्रिंग सिस्टम मूव कर रहा है तो वो ओसिलेटरी मोशन तो है, तो वो पीरियाडिक भी है, क्योंकि वो फिक्स इंटरवल में मूव करता होता है। ठीक है, तो इसका अब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी ये क्या है, मोशन टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो है इसके ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मेन पोजीशन होता है। ठीक है, यानी इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे छोड़ देते हैं, तो ये मेन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम, फिर अब यानी ये इसकी मूवमेंट टू एंड फ्रो होती है। ठीक, तो ये मोशन शुरू हो जाती है। तो इसके बाद हम रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल यानी मेन पोजीशन पे लाए, या इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक ही बात है। ठीक है, जब हम बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके छोड़ दें तो वो बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, वो एक्चुअली होती तो इसके इक्वल है बट अपोजिट इंटरेक्शन होती है। तो अब हमने हमारा जो पहला टास्क है वो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए आपके पास दो फोर्सेज हैं, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स है ये वाली, दूसरी जो है न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक है, इन दोनों को आपने कंपैरिजन करना है। कंपेयरिंग करने के बाद ये देखें, एक्सेलेरेशन है, अगर डिस्प्लेसमेंट का सिंगल डेरिवेटिव लें वेलोसिटी होता है, फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें तो एक्सेलेरेशन बनता है। इसी तरह मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव ले लिया, तो इसका ये मतलब है कि ये एक्सेलेरेशन ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रीअरेंज करके आप ये इक्वेशन लिख देते हैं, तो ये इक्वेशन जो है हमारी सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं वेलोसिटी पर, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर है उसकी। तो हमने वही पहले इक्वेशन कौन सी उठाई, सिंपल हार्मोनिक ये वाली, ये जो हमारी थी इक्वेशन ऑफ मोशन है सिंपल हार्मोनिक, ये उठाई, हमें पता है ये डबल डेरिवेटिव है तो इसको हमने सेपरेट कर लिया, ये हमारा वेलोसिटी बन जाता है, पता है डिस्प्लेसमेंट का सिंगल डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है। ठीक है, फिर हमने डी एक्स और डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इसको रीअरेंज करके हम वेलोसिटी इधर आ जाता है और डी वी और डी एक्स ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन से हमें हमारा मकसद क्या है, वेलोसिटी फाइंड करना। जब हम वेलोसिटी की इंटीग्रेशन लेते हैं बोथ साइड तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाता है, तो सी जो है इसमें एक कॉन्स्टेंट है तो सी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन थर्ड में देखें, ये मैंने फिर टू से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, सी फाइंड करने के लिए हमने इनिशियल बाउंड्री कंडीशन लगानी है। ठीक, हम ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम इनिशियल कंडीशन क्या लगानी है, हम कहते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्स इजिकल टू एक्स में क्योंकि मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर की, जीरो होती है। जब ये पुट करेंगे वी की जगह पे जीरो और एक्स की जगह पे एक्स एम, तो हमारे पास ये टू सी मतलब इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाती है, यही वैल्यू हमने इक्वेशन थ्री में पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाता है, ये वेलोसिटी हम ये वाला फार्मूला जो है ये वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का फार्मूला आपने याद रखना है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम वेलोसिटी निकालने में पता है मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, एट मेन पोजीशन जहाँ पर जीरो है तो वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होती है। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जैसे जैसे बॉडी जाती जाती है मीन से एक्सट्रीम की तरफ, तो वेलोसिटी आस्ते आस्ते स्पीड उसकी रुकती जाती है।
जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाए। अब हमने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करना है। मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, हमने ये दो जो है वेलोसिटी फाइंड करनी है। पहले मैं मैंने वेलोसिटी का ये फार्मूला लिखा है, ठीक है, वही जो हमने पीछे प्रूव किया है ये वाला। इसमें एक्स की जगह पे अगर जीरो पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि ये मेन पोजीशन पे है तो ये क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। और अगर ये आप फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। मिनिमम के लिए आपने एक्सट्रीम पोजीशन पे देखना है, तो कंडीशन एक्स इजिकल टू एक्स एम पुट करते हैं तो ये आपकी ये सारा जीरो हो जाएगा, तो मिनिमम जीरो हो जाएगी। अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम वही वेलोसिटी के फार्मूले को उठाएंगे, क्योंकि हमें पता है डी एक्स और डी टी, इसका डेरिवेटिव लें तो वही वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से हम दो पार्ट्स बनते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। अगर फिर इसके हम सेपरेशन करते हैं, इसके बाद हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, ठीक। तो इस पर इंटीग्रेशन जब अप्लाई करते हैं, नेगेटिव फंक्शन के साथ कॉस इनवर्स आता है पॉजिटिव के लिए, पूरा एक फार्मूला है, ठीक। जब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, देखें अलग से इंटीग्रेशन आपने अप्लाई करनी है, तो ये साइन का फंक्शन आ जाता है। यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ये साइन के फंक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट है एक्स इजिकल टू एक्स एम, और ये कॉस के साथ, दो डिस्प्लेसमेंट आए। लेकिन एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हमने एक लेना है कोई ऑथेंटिक फार्मूले के साथ, तो हम इस मैंने इसकी रीजन लिखी हुई है। ये जो एक्स कॉस फंक्शन वाला है, हम कहते हैं अगर तो ओसिलेटर जो है हार्मोनिक ओसिलेटर अपनी पोजीशन स्टार्ट कर रहा है, मोशन स्टार्ट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो हम इसकी क्या लेने हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, तो कॉस का फंक्शन। अगर मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है तो हमने साइन का फंक्शन लेना है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन से ही मूव करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जब ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है तो ये स्पीड अप होना शुरू हो जाता है, जब मीन से एक्सट्रीम जाता है तो वो स्लो डाउन होता है और एक्सट्रीम पे जाकर जीरो हो जाता है। पीछे हम प्रूव कर चुके हैं, तो इस वजह से हम ये वाला लेते हैं, वी हेयर वी शैल कंसीडर मोशन स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमने कौन सी लेनी है, एक्स इज इक्वल टू कॉस वाला फंक्शन, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है ये हम लेते हैं, हम पीछे अभी फाइंड किया है, एक ले लिया हमने कॉस फंक्शन वाला, ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला। हम कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अबव मीन पोजीशन या बिलो मीन पोजीशन, जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या कहते होते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये हम कॉस के फंक्शन को इस पूरे जो हमारे पास फेज वाला फेज एंगल है, इसको हम प्लस माइनस ये हमारे वन लिखते हैं, तो ये हमारी इसकी रेंज है कॉस की, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये वन होता है और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा एक्स इजिकल टू, सॉरी एम्पलीट्यूड इजिकल टू एक्स एम। फिर हमने फाइंड करना है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में हमको पता है एक कम्प्लीट वाइब्रेशन, यानी ये जो जितनी भी वाइब्रेशन है एक कंप्लीट चक्कर में, यानी पूरे राउंड राउंड में जितनी वाइब्रेशन है, हम उसको क्या कहते होते हैं, टाइम पीरियड। टू पाई हम लेते होते हैं, ठीक है। तो इसको जब ओमेगा यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं, टाइम पीरियड का फार्मूला ओमेगा का आपको पता ही है। ऐसे अगर ओमेगा का स्केयर लिखें तो के ओवर एम लिखते होते हैं, अगर ओमेगा लिखें तो अंडर रूट के ओवर, ठीक। तो ये इधर पुट कर देंगे तो ये टी इज इक्वल टू टू बाई अंडर रूट एम ओवर, ये ऊपर चला जाएगा तो एम ओवर के आ जाएगा, तो ये हमारा टाइम पीरियड है। इसी तरह आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी का आपको पता ही है कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, वन ओवर टाइम, यानी इसका रेसिप्रोकल। तो जो टाइम पीरियड आपने निकाला है इसमें पुट कर दें तो ये आपके फार्मूला आ जाए, ठीक है बेटे बच्चों, अल्लाह हाफिज़। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे।